यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही है, व्हाई? सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, ईच सक्सेसिव रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, दिस इज द सक्सेसिव रो ऑफ दिस वन, सेकंड रो इज द सक्सेसिव रो ऑफ फर्स्ट वन, सो दिस सेकंड रो शुड हैज फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन इन ए कॉलम अदर देन फर्स्ट। इसके आगे की जो जो रो है उसमें जो नॉन जीरो एंट्री है वो फर्स्ट कॉलम से अदर कॉलम में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले कॉलम में तो एंट्री फर्स्ट कॉलम में है, नॉन जीरो एंट्री, तो ये तो फर्स्ट, ये एंट्री नॉन जीरो एंट्री है फर्स्ट कॉलम में। अब इसके बाद जो नॉन जीरो एंट्री आएगी रो में, नेक्स्ट रो में, दैट विल नॉट बी इन फर्स्ट रो, दैट दैट शुड बी आइदर इन सेकेंड और थर्ड, बट ये तो फर्स्ट में ही है, तो ये सेकेंड कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। सो दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स इन रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म, दिस इज ए मैट्रिक्स इन रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म, दिस इज अगेन ए मैट्रिक्स इन रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म। So first condition and second conditions we explained using this example. Now what about the third condition? This is not in row reduced, okay? Because here first condition is satisfied, second condition is also satisfied, but third conditions fourth condition not satisfied. इस वाले मैट्रिक्स को देखिए, आपने फर्स्ट कंडीशन देख ली, सेकंड देख ली, फोर्थ देख ली, तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या कंडीशन है? यस सर, ये फर्स्ट क्या है? मैं फर्स्ट नहीं समझ आ रहा, क्या बता रहे हो आप? ये फर्स्ट कंडीशन नहीं सर, ये फर्स्ट फर्स्ट लिख रखा है ना सर आपने, द फर्स्ट नॉन जीरो, तो सर ये द फर्स्ट क्या है, कौन सी चीज है? यस या तो आप कोई भी रो उठा लीजिए, देखो ईच रो की बात कर रहा है, ठीक है, ईच रो, तो आप कोई भी रो उठा लीजिए, ये उठा लीजिए रो, ठीक है, यू टेक वन रो, ठीक, इन दिस रो, इन दिस रो व्हाट इज योर फर्स्ट एंट्री, दिस वन, इन दिस रो व्हाट इज योर सेकंड एंट्री, दिस वन, इन दिस रो व्हाट इज योर थर्ड एंट्री, दिस वन, मतलब यहाँ पे तीन एंट्रीज हुई है इस रो में, किसी भी रो में मैक्सिमम तीन एंट्रीज है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स, तो इसमें फर्स्ट एंट्री ये हो गई, आपको यही चेक करना कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, नॉन जीरो इसमें बोला है, नॉन जीरो, ठीक है ना, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, नॉन जीरो अगर मैंने लगा रखा है तो, ठीक है ना, अगर मैं नॉन जीरो नहीं बोलूंगा तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई आपकी, सेकेंड एंट्री ये हो गई, थर्ड एंट्री ये हो गई, बट अगर मैं फर्स्ट नॉन जीरो साथ में बोल दूं, जो आपकी फर्स्ट टाइम नॉन जीरो पड़ेगी, जब फर्स्ट टाइम नॉन जीरो पड़ेगी तो यहाँ तक यहाँ पड़ रही है, ठीक है ना, ओके, केवल फर्स्ट एंट्री बोलूंगा, देन दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, अगर मैं फर्स्ट नॉन जीरो बोलूंगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, फर्स्ट और नॉन जीरो, ये फर्स्ट तो है, नॉन जीरो नहीं है, ये फर्स्ट तो है, ये फर्स्ट नहीं है और नॉन जीरो भी नहीं है, बट दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, सो हियर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, यस सर, सेकेंड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड, बिकॉज ये जो नॉन जीरो एंट्री है ये फर्स्ट को, ये फर्स्ट सेकंड में कहां है सर, सेकंड रो में तो वन नहीं है ना सर? हां सेकंड रो में वन नहीं है, सेकंड रो में यस वन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वन है तो वो क्या कहां पर होना चाहिए, वो लेटर कॉलम में होना चाहिए, उसके बाद में कहां सर, मतलब ये फर्स्ट वाला कंडीशन नहीं कर रहे हैं सेटिस्फाई? नहीं नहीं, इस कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में ये नहीं कह रहा कि हर एक आपके फर्स्ट रो में वन होना ही होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है, अगर वो नॉन जीरो एंट्री है तो वन होना चाहिए, ये कह रहा है, ये देखिए जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, इसमें नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं, तो इसमें वन होगा ही नहीं, ऐसे बता रहे हो सर, नहीं पता लग रहा है। अच्छा सर ये ईच रो में क्या रखता है, ये क्या है सर? हाँ हर एक रो में ही कह रहा है ना, हर एक रो में हम फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री देखेंगे, तो पहली बात तो ये बताइए कि इस रो में कोई नॉन जीरो एंट्री है? हाँ सर है, वन कर दिया सर आपने, ये नॉन जीरो है। नहीं नहीं इस रो में, इसमें रो में कोई नहीं है एंट्री। हाँ इस सेकंड वाले में नहीं है सर, हाँ सेकंड वाले में नहीं है ना, हाँ सेकंड वाले में कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है, तो इस रो कह रहा है, तो हम सेकंड रो की चेक कर रहे हैं, फर्स्ट रो में तो चेक कर लिया हमने, होल्ड हो गई, अब सेकंड रो को हम चेक कर रहे हैं, तो सेकंड रो में कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो जब कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है तो वो वन वन हो ही नहीं सकती ना, वही तो मैं चेक करना, अगर नॉन जीरो एंट्री है तो वो वन होना चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना सेकंड रो इसको,
नहीं, सेकंड रो जो है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा कहाँ से कर रहे हैं सर? तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आप बताइए ना कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो अदर देन वन है क्या? बताइए आप, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आप खोज ही नहीं पा रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ जब आपको फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिलेगी तभी तो आप देखेंगे कि वो वन है कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इसका मीनिंग ये होता है, जब आपको फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगा तभी तो आप उसमें बताएंगे वन है कि नहीं है। ओके सर, ठीक है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है अगर वो चीज जब है ही नहीं है तो उसको मान लेते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है। ये होता है जैसे फाई सेट होता है, फाई सेट में बोलते हाँ बताइए सर। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो उसमें जब एलिमेंट या वो नहीं खोज पाते हैं कि जो उसको अप्रोच कर सके तो आप बोल देते हैं कि उसमें सेटिस्फाई हो रहा है फाई सेट में। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर है कि जब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपको मिल ही नहीं रही है तो उसमें आपको देखना ही नहीं है कि वन है कि नहीं है, ही नहीं है। अगर होगी तो वो चेक करना कि वन होना चाहिए। ठीक ठीक है है, सर, आ गया हाँ ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है फर्स्ट मैट्रिक्स में, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ऑल फुल रो ऑफ जीरो। इसमें कोई रो बताइए जो कि जिसमें कि पूरी रो जीरो हो। इसका मतलब ये होता है ऑल फुल रोज ऑफ जीरो। इसमें कोई भी फुल, इसमें ये वाली रो पूरी जीरो नहीं है, ये वाली रो कोई जीरो नहीं, केवल सेकंड रो है जो कि फुल रो रिटर्न है जीरो। सर। हाँ अच्छा, तो ये वाली रो जो है कहाँ होना चाहिए? फाइनल रो होना चाहिए मैट्रिक्स की। बट ये फाइनल रो तो नहीं है, ये बीच में है, मिडिल में है। सो दिस कंडीशंस वायलेटेड, फोर्थ कंडीशन फॉर दिस मैट्रिक्स। ये फोर्थ कंडीशन समझ में आ गए क्या मीनिंग है? फुल ऑल रोज जीरो वाली जो रो है कहाँ पर होनी चाहिए? फाइनल में होना चाहिए। तो ये फाइनल में नहीं है, ये मिडिल में है, यहाँ पर फाइनल में है, मतलब फोर कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अगर हमें कोई भी फुल जीरो रो मिल रही है इसका मतलब होता है फुल जीरो रो। ठीक है ना, आप इसको ये भी बोल सकते हैं फुल जीरो रो, मतलब फुल जीरो रो इसमें कौन सी है? सेकेंड, इसमें फुल जीरो रो कौन सी है? और इसमें फुल जीरो रोज है ही नहीं। ठीक है, तो हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें फुल रो जीरो जीरो कौन सी है? थर्ड। ये कहाँ पर है? लास्ट में, फाइनल रो होने, फाइनल रो है। इसका मतलब ये फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, बट यहाँ पर ये फोर्थ कंडीशन वायलेट हो गई, इसीलिए ये रो रिड्यूस एक्चेलन फॉर्म नहीं है। एटलीस्ट अगर वन कंडीशन वायलेटेड हो रही है तो हम बोल देंगे कि वो मैट्रिक्स रो रिड्यूस एक्चेलन फॉर्म नहीं, क्योंकि ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन समझ में आ गए? सर अगर हम यस, सेकंड वाली मैट्रिक्स में 1 और 5 की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो सर ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा ना? थर्ड हाँ, फिर नहीं, फिर ये थर्ड नहीं करेगा, थर्ड वाली की नहीं करेगा। सर फर्स्ट, नहीं, फर्स्ट फिर भी करेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट फिर भी करेगा। फाइव राइट, 1 0 0 5। सर 1 और 5 की सर पोजीशन इंटरचेंज कर दें। हाँ अच्छा, इधर 5 रखना है, इधर 1 रखना है, ये कह रहे हैं आप? जी, हाँ अच्छा, इधर आप 0 रख लीजिए, इधर 5 रख लीजिए, इधर 1 रख दीजिए ना। सर। नहीं सर, सर फर्स्ट रो में ही ना सर उसको अच्छा 1 की अच्छा जगह 5 कर दो, 5 की जगह 1 कर दो, सिर्फ फर्स्ट रो में, बाकी सब सेम। हाँ, ये ऐसा ना, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें ये मतलब यहाँ पे ये वायलेट हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो जाएगी इसमें, अगर आप ये रख देंगे। मतलब सर हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखना है मैट्रिक्स में। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से आपको इसलिए देखना है कि आपको कॉलम भी देखना है और आपको रो भी देखना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से देखिए। यस, ठीक है ना, आपको लेफ्ट हैंड साइड से वन बाय वन चेक करना है कि पहले तो आप रो देखना है कि हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, तो हर एक रो में फर्स्ट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वन होना चाहिए। अभी मैं एक साथ ही सभी कंडीशंस को बताऊंगा, अभी आपको पहले ये कंडीशन समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको लेफ्ट से राइट ही देखना है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो लेफ्ट से राइट आप देखेंगे तो आपको कॉलम और रो दोनों दिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से होना चाहिए कि स्टेयर केस में होना चाहिए कि यहाँ पर एंट्री, पहली एंट्री नॉन जीरो वन होना चाहिए
उसके बाद जो भी नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे सब सब जीरो होना चाहिए, लेफ्ट राइट राइट में होना चाहिए। राइट में कहाँ पर होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि जस्ट राइट में होना चाहिए कि या कुछ स्किप करके भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल मैं लूंगा वो वाला, पहले इसको आप समझ लीजिए कि यस हम लेफ्ट से राइट देखेंगे, तो ये फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं अगर 15 00 00 1 00 01 अगर मैं ये रख देता हूं, तो आप इसमें मुझे बताइए कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है। तो सेकंड वाली सर, सेकंड वाली सेकंड रो में हाँ हाँ सर। सेकेंड वाली वायलेट हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जो नॉन जीरो एंट्री है ये फर्स्ट कॉलम में है, ये नॉन जीरो एंट्री थर्ड थर्ड कॉलम एंट्री में, है। इसके बाद वाला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद जो नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए वो इसके बाद होना चाहिए, सर इसके वो बाद होना। सेकंड सेकंड कॉलम में होता तो हो जाता क्या हाँ अगर यहाँ सेकंड? पे वन है ऐसे ठीक ना, है सर। अब हो जाता, ये जीरो है ये वन है, अब हो जाता। क्यों? क्योंकि अब ये वाली एंट्री जो है ये इसके बाद ही है, ये सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम में, ठीक है ना। अब ये वाली कंडीशन रह गई, ये थर्ड कंडीशन समझने के लिए, ठीक है ना। तो थर्ड कंडीशन नहीं, अभी थर्ड कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है इसमें, तो सॉरी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अभी, नहीं है ये इसको, क्योंकि हमने फाइव को ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। इसमें अभी थर्ड कंडीशन वायलेट हो रही है, अगर हमने यहाँ वन रख दिया तो यहाँ पे फाइव ही है ना, यहाँ पे तो जीरो था पहले, तो यहाँ पे फाइव है। इसमें थर्ड कंडीशन क्या है कि जो आप फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री देखते हैं, लीडिंग एंट्री बोलते हैं उसको, जो आप वन देख रहे हैं उसके ऊपर और नीचे पूरा जीरो होना चाहिए, ये बोल रहा है। अबव एंड बिलो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो थी उसके ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सभी एंट्री जीरो होना चाहिए। इसमें देखिए ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है सेकेंड रो में, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, यस सर। अच्छा इसके ऊपर नीचे जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। सो यस सर, बट है नहीं। ये थर्ड कंडीशन वायलेट हो रही है इसमें, इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड, फोर्थ, यस सर, थर्ड ठीक है ना, फोर्थ नहीं। में कोई दिक्कत नहीं है, बट थर्ड वायलेट हो रही है इसमें। थर्ड वायलेट इसलिए हो रही है कि इसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वन है इसके ऊपर नीचे जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है इसके ऊपर नीचे जीरो नहीं है, नीचे तो जीरो है ऊपर जीरो नहीं है, यहाँ पर जो नॉन जीरो एंट्री है इसके ऊपर जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसमें थर्ड कंडीशन वायलेट हो रही है। सो ना यहाँ पे आपने तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन एग्जाम्पल से यू हैव सीन, सो नाउ लेट मी कंसीडर मोर एग्जाम्पल। अब मुझे और एग्जाम्पल्स लेने दीजिए। आज मेरा ये स्लाइड को दिक्कत कर रहा है, इसको मैं न्यू स्लाइड में खोलूंगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, बट ये डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा वहां पे, इसलिए मैं इसी स्लाइड में काम करना चाह रहा हूँ। यस, सो नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, मैं कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 06 00 01 03 -4 00 01 057, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक साथ देखेंगे, ठीक है ना, पूरे मैट्रिक्स को, सो दैट जल्दी से आप कैच कर सकें। आपको ये देखना है कि जो जो पैटर्न है इस तरह का पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं पैटर्न बना रहा हूँ, स्टेयरकेस पैटर्न, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको कंडीशन जो है इजीली दिख जाएंगे, ठीक है ना। बात वही, आप वन बाई वन कंडीशंस देखेंगे। ये देखिए मैं कैसे पैटर्न बना रहा हूँ, ऐसे मैंने कैसे बनाया है।
आपको यहाँ नॉन जीरो से स्टार्ट करना है, जैसे जीरो स्टार्ट हो जाए तो आपको यहाँ मूव करना है जब तक आपको नीचे नॉन जीरो एंट्री न मिल जाए। जैसे नीचे नॉन जीरो एंट्री मिली आप टर्न कर जाइए नॉन जीरो की तरफ, ठीक है ना। आप इधर चलते रहेंगे जब तक आपको नॉन जीरो एंट्री नीचे नहीं मिल जाएगी। यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री मिल गई यहाँ पे नीचे, तो आप नीचे आ जाइए ऐसे। मतलब आपको नीचे कब उतरना है, व्हेन यू हैव टू गो बिलो, व्हेन यू विल गेट नॉन जीरो एंट्री इन द डाउन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्टेयर केस बना लेना, तो स्टेयर केस में आपको इजीली दिख जाएगा कि यहाँ पे नीचे जो है सब जीरो होना चाहिए, ठीक। अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये एंट्री जो है आपकी वन होना चाहिए, वन है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये एंट्री वन होना चाहिए, वन है, और इसके ऊपर नीचे देख लीजिए वन होना चाहिए और जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जब आप यहाँ पर आ जाइए इसको देखिए, ये एंट्री आपकी वन होना चाहिए, इसके ऊपर नीचे चेक कर लीजिए क्या है, इसके ऊपर नीचे जीरो है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, फिनिश हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको वन वन कंडीशन इस तरह से याद नहीं करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, ऐसे आगे मूव करते रहना है, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वहां से स्टार्ट करना है, वहां पे देख लीजिए चेक कर लीजिए वन है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते रहिए जब तक वो आपको सेकंड रो में ना पहुंच जाए। जैसे सेकंड रो में पहुंचे आप देखिए वहां पे जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो आने के नहीं, उसके ऊपर नीचे देखना है बस। जब सर नेक्स्ट रो में वन ना पहुंच, होता हाँ वन नहीं होता तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना फिर ये वाली, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अब मैं जो एग्जाम्पल लूंगा उसमें हम इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। सो दैट आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 6 2 0 0 0, सॉरी यहाँ पे वन है, यहाँ पर वन है, 0 0 0, आप इसमें स्टेयर केस बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए स्टेयर केस बनाना, यहाँ से चलते रहिए, ये आपका स्टेयर स्टार्ट होता है। जब तक आपको सेकंड रो में नॉन जीरो एंट्री ना मिल जाए तब तक आप आगे बढ़ते रहना, यहाँ पे सेकंड रो में है तो उसके नीचे आ जाइए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे मैट्रिक्स ही फिनिश हो गया। अच्छा तो आपको नीचे तो सभी जीरो होना चाहिए, नीचे जीरो है कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो पहली एंट्री है वो नॉन जीरो वन होना चाहिए, वन है, उसके ऊपर नीचे जीरो होना चाहिए, जीरो ही है। अब यहाँ पर आइए आप, ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये वन वन देखना है, ये मतलब आपको हर एक रो में ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री पे जाना है पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द सेकंड रो, ये वन है, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे क्या जीरो है, यस बताइए, नो सर नो सर सर। तो इजीली दिख गया ना, इसमें इस तरह के फिगर बनाने में इजीली दिख गया आपको। केवल आपको दो चीजें चेक करना है, ऐसे अगर ये पिक्चर बना लिया कि आप जब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री पे हो तो ऊपर नीचे आपको वन देखना है, फिर आप सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री पे जाएंगे या थर्ड रो की जो भी मिलेगी आपको, जरूरी नहीं सेकंड रो में मिले, हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। तो आप उस वहां पर पहुंचने के बाद ऊपर नीचे चेक कर लेना जीरो है कि नहीं, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, सो दिस इज नॉट ए रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, तो ये आपका रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, अब मैं एक एग्जाम्पल लगा लेता हूं, वन फोर जीरो माइनस थ्री जीरो 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 वन टू जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे वन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपका, तो सबसे पहले आप स्टेयर केस बनाइए, ठीक है। तो स्टेयर केस बनाएंगे आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है ना, मूव करते रहेंगे आप सेकंड रो की, जब तक आपको सेकंड रो में नॉन जीरो ना मिल जाए, सेकंड रो में नॉन जीरो मिल गया, ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे। अच्छा अब आपको थर्ड रो की नॉन जीरो को चेक करना था लेकिन वो इधर लेफ्ट में है, मतलब आप स्टेयर नहीं बना पा रहे हैं, आप स्टेयर नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब यहीं पे वायलेट, यहीं पे पता चल गया कि वायलेशन हो रहा है। अगर आपको पूरा स्टेयर बनाना है तो बना लीजिए,
बट अकॉर्डिंग टू रूल जो हम स्टेयर बना रहे थे वो नहीं बन पा रहा है, इसके नीचे नॉन जीरो यहाँ यहाँ पे वन आ गया, हम यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लेकिन जबरदस्ती बढ़ गए। तो इसमें आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे जीरो नहीं है, पूरा जीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पूरा जीरो था, यहाँ पे पूरा जीरो था, यहाँ पे जीरो नहीं। तो ये इंक्रीज दिस इंक्रीज शो दैट कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन रो रिड्यूस एकेलन फॉर्म। सो अगर ये एंट्री अगर आपकी ये एंट्री अगर आपका जीरो हो जाए, ये एंट्री अगर आपका जीरो हो जाए तो आपको स्टेयर केस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेयर केस में आपको ऊपर नीचे भी जीरो देख लेना है बस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ऊपर नीचे जीरो है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे जीरो है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे जीरो है, केवल आपको इसके ऊपर नीचे देखना है फिर इसके बाद, ठीक है। सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, चारों कंडीशन। ये समझ में आ गया, किसी ने कोई क्वेश्चन फोर्थ पूछा? कंडीशन कहाँ से डिस्कार्ड हो रही है इसमें? हाँ, फोर कंडीशंस आप कब देख, हाँ ये फोर कंडीशंस इसमें देख रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फोर कंडीशंस के लिए क्या है, आपको पहले तो फुल जीरो जो रो की रो होना चाहिए, इसमें फुल जीरो जो रो की रो है ही नहीं। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि वो चीज हो तभी तो आप देखेंगे सेटिस्फाई के लिए, ठीक है ना। मतलब ये वायलेट नहीं हो रही है, वायलेट नहीं हो रही है तो वो चीज सेटिस्फाई मानी जाती है, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें जैसे आप वही फाइव सेट की बात फिर से आ गई, यहाँ पे फाइव सेट में जो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी आप चर्चा ही नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली सिमिलर डिस्कशन इज हियर यहाँ पर, जब आपके फुल रो ऑफ जीरो होगा तब आप उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कहाँ पर है, इसमें फुल रो ऑफ जीरो कोई है ही नहीं है। ओके, यस सर। यस, हाँ। तो ये इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल कंडीशन, सो दिस इज योर रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म, ठीक है ना। सो इफ आई विल टेक हियर, अगर मैं यहां पर वन ले लूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या ये रो रिड्यूस एकेलन फॉर्म होगा? इफ आई विल से हियर हियर इज वन एंड इसके ऊपर नीचे जीरो नहीं है, क्या ये कंडीशंस वायलेट कर रहा है इसमें, चारों में से कोई भी कंडीशन? यस सर, विच कंडीशन वायलेटेड? द थर्ड, नो फोर्थ, एंड नो, कोई 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 कंडीशन वायलेट नहीं हो रही इसमें। क्यों? आप थर्ड को पढ़िए पूरा, ऑल एंट्रीज अबव एंड बिलो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो के ऊपर नीचे देखना है आपको, ये फर्स्ट नॉन जीरो है ही नहीं, ये फर्स्ट नॉन जीरो तो ये एंट्री है, इसलिए तो हमने स्टेयर केस में आपको बताया था ना, स्टेयर केस में जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इस पोजीशन पे होगा, जैसे आप स्टेयर यहाँ पे डाउन जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिलेगी, ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है, ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, तो इसके ऊपर नीचे देखना है आपको। तो ये थर्ड कंडीशन इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो के लिए है, ये थर्ड कंडीशन, ये देखिए ना ये लिखा है फर्स्ट नॉन जीरो के लिए आपको चेक करना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो तो ये, इसके लिए ऊपर नीचे जीरो है, तो ये थर्ड कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है। ओके, तो आपको इसमें स्टेयर केस में ऊपर नीचे जो जीरो है केवल इस पोजीशन पे जो एंट्रीज है फर्स्ट नॉन जीरो उस पे देखना है आपको। सर एक बार सेकंड कंडीशन बताना सर इसी में। अच्छा हाँ, इसमें सेकंड कंडीशन दी, ये पहली रो की एंट्री नॉन जीरो एंट्री है, ये दूसरी रो की नॉन जीरो एंट्री है, ये तीसरी रो की नॉन जीरो एंट्री है। ओके, दिस इज द नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट रो, दिस इज द नॉन जीरो एंट्री इन द सेकेंड रो, दिस इज नॉन जीरो एंट्री इन द थर्ड रो, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ ये आपका कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम में, ये वाली कहाँ पर है आपकी, थर्ड कॉलम में, ये कहाँ पर है आपकी, फिफ्थ कॉलम में। तो ये बताइए जो सक्सेसिव इस सक्सेसिव रो जो है इसमें, इसके बाद ये सक्सेसिव रो है इसकी, दिस इज द सक्सेसिव रो ऑफ फर्स्ट वन, यस तो इसमें जो सर, एंट्री है वो लेटर कॉलम में होना चाहिए, तो इसकी इसकी एंट्री कहाँ पर है, सी वन में है, तो इसकी एंट्री कहाँ पर है, लेटर कॉलम में है कि नहीं है, सी थ्री में, मतलब सी वन में नहीं है, मतलब सी वन के बाद है, यहाँ पर होता तब भी सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब सी वन के बाद होना चाहिए,
C2 में नहीं है लेकिन C3 में है, तो C1 के बाद ही कौन है, C सेटिस्फाई हो गया इसके लिए। एक इसमें किस कॉलम में है, फिफ्थ कॉलम में, ये फिफ्थ कॉलम थर्ड कॉलम के बाद ही आता है, तो इसका सक्सेसिव थर्ड रो एज ए सक्सेसिव रो ऑफ सेकंड रो, और इसमें जो नॉन जीरो एंट्री है वो फिफ्थ कॉलम में है, इसमें नॉन जीरो एंट्री थर्ड कॉलम में है, तो ये वाली नॉन जीरो एंट्री इसके लेटर कॉलम में है, ये हो गया, ठीक है। सो आई थिंक फ्रॉम दिस पिक्चर दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू आर, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ओके हम आगे बढ़े। सर आगे तो अब आपको ध्यान रखना, आप ये प्रॉपर्टीज याद करने की बजाय, याद तो करना ही है, ये पैटर्न बहुत जरूरी है, इससे मिस्टेक नहीं होगी आपको, इस पैटर्न में बस आपको दो चीजें पकड़नी है, यहाँ पे नीचे सब जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे आप फर्स्ट कोई भी एंट्री जब उठाएंगे जो स्टेयर केस के कॉर्नर में, उसके ऊपर नीचे वन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये कॉर्नर वाली एंट्री वन होना चाहिए बस। अच्छा इसका यूज क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म, दिस इज दिस मैट्रिक्स इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर सिस्टम एंड आल्सो टू फाइंड द सॉल्यूशन एज वेल, सो यूजिंग दिस मैट्रिक्स वी कैन इजीली फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। So let me consider a linear system. So suppose if I will have linear system x1 minus 2x2 plus x3 is equal to 0, 2x2 minus 8x3 is equal to 8, and minus 4x1 plus 5x2 plus 9x3 is equal to minus 9. So this is a linear system. एंड वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर सिस्टम, तो इसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड पेयर ऑफ x1 x2 x3 सच दैट ऑल दिस x1 x2 x3 के जो पेयर है तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब इफ आई विल से दैट x1 वैल्यू इज 2 x2 इज -1 एंड x3 इज योर 0, देन अगर मैं x1 की जगह 2 रख दूं, x2 की जगह -1 रख दूं, x3 की जगह 0 रख दूं, इस तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ, तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज व्हिच सेटिस्फाई ऑल दीस थ्री इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है इसका। अच्छा तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वी विल यूज हियर दिस रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट वी विल राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखिए पहले, ठीक है। अच्छा इन दिस सिस्टम ऑफ फॉर दिस लीनियर सिस्टम यू कैन राइट दिस सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज गिवन बाय दिस, कैसे लिखना है आपको, आपको यहाँ पर x1 के करस्पॉन्डिंग सब एंट्री लिख देना है, यहाँ पे x2 के करस्पॉन्डिंग सब एंट्री लिख देना है, यहाँ पे x3 के करस्पॉन्डिंग एंट्री लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका वेरिएबल आ जाएगा x1 x2 x3, और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है वो लिख देना है, राइट हैंड साइड का मतलब यहाँ पे 0 8 -9, और यहाँ पे x1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री बताइए, यहाँ पे x1 की करस्पॉन्डिंग कोफिशियंट 1 है, यहाँ पे x1 की करस्पॉन्डिंग 0 इंटू x1 है, तो मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, x1 की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे -4 है, अब इस वाले में ठीक है ना, इसमें देखिए x2 की करस्पॉन्डिंग -2 है, x2 करस्पॉन्डिंग 2 है, यहाँ पे x2 करस्पॉन्डिंग 5 एंट्री कोफिशियंट, x3 करस्पॉन्डिंग इसमें 1 है, यहाँ पे x3 करस्पॉन्डिंग -8 है, ये 9 है। इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, अगर आप इस मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स है, ये कॉलम वेक्टर है, और ये आपका राइट हैंड साइड में अगेन कॉलम वेक्टर है, तो आपका यही सेम सिस्टम आ जाएगा। आर यू श्योर, ये पता है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके एवरीवन, इसका मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होता है, ये इस रो का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, x1 into 1, x2 into -2,
एक्स थ्री इंटू वन, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो के है। सिमिलरली जब आप इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम था लीनियर सिस्टम, वी हैव रिटन दिस सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी इज द दिस कॉलम वेक्टर, ठीक है। सो नाउ हियर आई विल कंसीडर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, कंसीडर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, मैट्रिक्स फॉर द गिवन सिस्टम, जो सिस्टम हमारे पास गिवन था फॉर द लीनियर सिस्टम, इसको लीनियर सिस्टम है जो हमने दिया हुआ था अभी ऊपर, दैट इज योर लीनियर सिस्टम। फॉर द गिवन लीनियर सिस्टम योर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ये सिंबल से हम डिनोट करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में हम इस कॉलम को अपेंड कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं बगल में। मीन्स इट विल बी डिफाइंड बाय दिस 1 0 -4। इसको क्यों जरूरत पड़ी इस नोटेशन की, मैं अभी बताता हूँ। -2 2 5 1 -8 9 0 8। -9, ठीक है ना। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जो रो है ये हमारा राइट हैंड साइड का कॉलम है, इसलिए हम एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच देते हैं ताकि पता चलता रहे कि ये जो इंट्रीज है ये इस मैट्रिक्स की इंट्रीज है, इस वाले मैट्रिक्स की, और ये जो इंट्रीज है ये इस साइड के वेक्टर्स की इंट्रीज है। ये पता करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को, इस पूरे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। आप इस बिना लाइन खींचे हुए भी आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज योर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, बट आपको इसमें ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये जो इंट्रीज है दिस इज इंट्रीज फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, और ये जो इंट्रीज है राइट हैंड साइड के कॉलम में, राइट मोस्ट कॉलम में, दिस इंट्रीज फ्रॉम यहाँ पे। ये क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, क्यों बाद में जरूरत पड़ेगी, सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको पूरे को मैट्रिक्स मान लीजिए आप, कितने 3/4 का, 3/4 का पूरे को, मतलब ये सब इंट्रीज आप एक मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, ये इंट्री ये इंट्री ये इंट्री ये इंट्रीज भी, ये अलग नहीं है, इस पूरे मैट्रिक्स की इंट्रीज का पार्ट है, ये इंट्रीज भी इसी मैट्रिक्स का पार्ट है, ये इंट्री भी इसी मैट्रिक्स का पार्ट है। ओके, सो इस पूरे मैट्रिक्स को आप एक मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए एंड इस मैट्रिक्स को, एंड यू विल रिड्यूस इन रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। ये रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है क्या, नहीं है? क्योंकि नो सर, क्योंकि आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसके इसमें आप स्टेयरकेस बनाए पाएंगे, यहाँ नीचे नीचे इसके नीचे ही नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ पे पहले पहले कॉलम में नॉन जीरो आ जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज डायरेक्टली विजिबल दैट कि दिस इज नॉट इन रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। सो इफ वी कैन कन्वर्ट दिस इन रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म देन इट इज इजी टू राइट दिस दिस गिवन लीनियर सिस्टम बैक इनटू इजियर फॉर्म, बहुत इजियर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यू कैन डायरेक्टली फाइंड द सॉल्यूशन। इसीलिए यहाँ पे जरूरत पड़ी है कि हम जो मैट्रिक्स है, वी कैन रिड्यूस दैट मैट्रिक्स, इफ वी कैन रिड्यूस दैट मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म देन देन द इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम, बिकॉज दिस इज ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू दैट लीनियर सिस्टम। ये जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने वहीं से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। हम यहाँ से बैक लीनियर सिस्टम को लिख सकते हैं, और लीनियर सिस्टम से मैट्रिक्स लिखा है, जैसे हमने यहाँ से भी बैक हम लीनियर सिस्टम लिख सकते हैं। ओके, सो इफ वी कैन रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू सिंपलर फॉर्म दैट इज काली रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर सिस्टम लिखेंगे दैट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम। तो चाहे इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम में अगर हम उसका सोल्यूशन फाइंड करें या ओरिजिनल का, बोथ आर सेम होता है बाई डेफिनेशन। इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है वो सेम होता है। ओके, दिस इज बाई डेफिनेशन। सो इसीलिए हम इसको रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो सपोज प्लीज वेट वन वन मिनट, लेट मी चेक वेदर आई हैव कन्वर्टेड दिस मैट्रिक्स इन द रिड्यूस एक्लन फॉर्म और नॉट। Yes, I have converted, but a little bit
यस, सो लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स अगेन, ओके, इक्विवेलेंट फॉर्म, ये मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं लेट मी राइट फर्स्ट डायरेक्टली, ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इफ आई विल रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू सम इजियर फॉर्म, वो रिड्यूस एकेलन फॉर्म नहीं होगा बट इजियर फॉर्म होगा, दैट इज योर एकेलन फॉर्म. Yes. So if I will reduce this matrix into row reduced echelon form, then I can write 1 minus 2. No, I am not talking about row reduced. I am talking about some easier form. Okay. 1, 1, minus 4, 4, 0, 0, 1. थ्री, ये जो मैट्रिक्स है ये मैंने सब रो ऑपरेशंस लगा करके इसको रिड्यूस किया हुआ है, मतलब इजी फॉर्म में, फ्रॉम दिस टू दिस ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है. हमने यहाँ से ये मैट्रिक्स रिड्यूस किया है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे रिड्यूस करते हैं, ओके, यहाँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है. सो हियर यू कैन सी लीनियर सिस्टम इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स इज नॉट इजियर देन दिस वन. Linear system corresponding to this matrix is easier than this one. So if you will write the corresponding linear system, then it is this that system will be very easy to solve. अच्छा जब इसको आप row reduced में convert करेंगे तो यहाँ पे आप zero zero बना देंगे, ठीक है ना? इसके corresponding यहाँ पे zero बना देंगे, यहाँ पे zero बना देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ अलग entries आ जाएंगी उसके बाद जब reduce करेंगे. So that I will tell in the next class. Okay, so if you will suppose this is your row reduced echelon form, जैसे हमने इसको convert कर दिया, for example, for time being, assume कर लीजिए, okay? तो आप इसके corresponding जब linear system लिखेंगे तो क्या आएगा? इस line के corresponding equation क्या बनेगा आपका? X1 is equal to zero, जैसे suppose यहाँ पे zero की जगह suppose आपका कुछ भी entry आ जाएगी, suppose 10 आ जाएगी, तो 10 लिख देंगे, वो कुछ भी आएगी, अभी मैं केवल for example ले रहा हूँ. और आप इसके corresponding equations लिखेंगे इस line के corresponding, तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का यहाँ पे x2 हो जाएगा और इक्वल टू 4 आ जाएगा. अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग अगर लिखूंगा इक्वेशन तो ये x3 हो जाएगा, x3 इंटू दिस, क्योंकि ये x1 इंटू 0 है, x2 इंटू 0 है एंड दिस इज योर x3 इंटू 1 इक्वल टू 3. तो यहाँ से तो सीधे सॉल्व ही हो गया सिस्टम हमारा. तो इसीलिए इसका बेनिफिट है हमारा रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म का. First, we will write your matrix, this augmented matrix of a given linear system, and then you will reduce that row reduced echelon, that matrix into row reduced echelon form, and then you will write again equivalent linear system. So, जहाँ से आप direct solution find कर सकते हैं, यहाँ देखिए solution निकल गया direct इस matrix. Okay, so these things we will discuss in detail in the next class. Okay. Okay, everyone. Okay, sir.